पुद्गल सूत्र, पुद्गल के बारे में बताएगा सूत्र। पुद्गल कौन है? पर्सन, प्राणी। कौशल राजतुमा दिन के समय में भगवान बुद्ध के पास आकर के नमन करके बैठ गए, तो भगवान बुद्ध को बताया, भगवान बुद्ध ने कौशल राजा को बताया, महाराज इस दुनिया में चार प्रकार की लोग दिखाई देता है। वो चार लोग कौन है? पहला है अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले व्यक्ति, दूसरा है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति, तीसरा है प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले व्यक्ति, चौथा है प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति। पुण्यवान महाराज, अंधकार से और अंधकार की ओर जाने वाले व्यक्ति कैसा है? ऐसा है, अंधकार मतलब इस दुनिया में कोई कोई लोग हैं, नीच परिवार में जन्म लिया, चंडाल परिवार में जन्म लिया, गुलगुलिया के परिवार में जन्म लिया, टॉयलेट पे खाना धोने वाले परिवार में जन्म लिया, नीच परिवार में, नीच जात में जन्म लिया, बहुत गरीब हैं, खान पान बहुत मुश्किल से मिल जाता है, दुखी से जीवन बिताते हैं, वो खुरूप भी हैं, नीच भी हैं, गरीब भी हैं, खुरूप भी हैं, टेढ़ा भी हैं, शरीर टेढ़ा है, निरंतर बीमार है, बहुत बीमार है, या तो फिर अंधा है, या तो फिर लंगड़ा है, या तो फिर लकवा मार दिया है, अच्छी तरह खान पान नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, इधर उधर जाने के लिए गाड़ी नहीं है, सेंट क्रीम कुछ नहीं है, बाल में लगाने वाले शैम्पू नहीं मिलता है, शैम्पू छोड़ दो, एक साबुन नहीं मिलता है सस्ता वाला, एक माला नहीं है, सोना का भी चूया तक नहीं, रहने का जगह नहीं है, मुश्किल से रहन रहता है, कम से कम प्रकाश पाने के लिए एक बत्ती भी नहीं है, ऐसे रह के ऐसे, ये कौन सा जन्म है? अंधकार जन्म। ऐसे रह के क्या करता है? शरीर से पाप करता है, ऐसे गरीब होके हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, वाणी से पाप करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, गाली देता है, फालतू बात करते रहता है, मन से पाप करता है, यानी कि क्रोध गुस्सा करता है, लोभ लालच करता है, गलत मार्ग पे जाता है, वो व्यक्ति शरीर से पाप करके, वाणी से गलत व्यवहार करके, मन से गलत विचार रख के, वो मरने के बाद नरक में जन्म लेते हैं। ये ऐसी बात है, एक आदमी है, ये आदमी अंधकार से और अंधकार की ओर जाता है, अंधेरा जगह से वो कहा जाता है और अंधेरे में चल जाता है, खतरे से और खतरा में चल जाता है। महाराज, उसको सिर्फ यही उदाहरण काफी है, वो व्यक्ति है अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले व्यक्ति, इसीलिए दिखाई देता है बहुत सारे पाप करने वालों, बहुत पाप करेगा तो गुस्सा क्रोध लोभ लालच करने वाले नीच लोग सबसे ज्यादा करते हैं, हमेशा बकरी को काटता है, सुअर को काटता है, सुअर को काटता है, चूहा को खोज खोज के दौड़ता है, चुचुंदर को खोज के दौड़ता है, गिलहरी को रहने नहीं देता है, चिड़िया को रहने नहीं देता है, थोड़ा लेबर का काम करके पैसा थोड़ा मिलेगा तुरंत उसी पैसा से दारू लेता है, या तो फिर एक मुर्गा उठा के लेके जाता है, और हमेशा गाली देते रहता है। आप लोग देखे होंगे, हम तो बहुत देखे हैं। महाराज, अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाता है? एक आदमी अंधकार जन्म लिया, मतलब वैसा नीच जात में, चंडाल जात में, कुलपत जात में, गुलगुलिया का जात में, गरीब जात में, बहुत
टॉयलेट पे खाना साफ करते उसी परिवार में जन्म लिया तथा वो कैसा है, कुरूप है, वो खुदू है, खुदू मतलब सारी टेढ़ा, हमेशा बीमार बीमार बीमार, उसको कभी भी शरीर में लगाने के लिए सेंट नहीं मिलता है, मुंह में लगाने के लिए क्रीम नहीं मिलता है, रहने का जगह नहीं है, कम से कम घर में एक बत्ती नहीं जला के रखने के लिए, ऐसा अंधकार जन्म लिया। लेकिन ये अंधकार जन्म लेके क्या करता है, शरीर से पाप करता है, पुण्य करता है, सॉरी ऐसे गरीब जन्म लिया, लेकिन ये आदमी दिमाग वाला है, ये शरीर से अच्छा व्यवहार करता है, वाणी से अच्छा व्यवहार करता है, यानी कि हत्या छोड़ देता है, चोरी करना छोड़ देते हैं, व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, तथा वाणी से झूठ बोलना छोड़ देते हैं, चुगली नहीं करते हैं, कठोर वचन गाली नहीं देते हैं, अल्तू पालतू बात नहीं, ज्ञान की बात बोलता है, तथा मन से क्रोध गुस्सा नफरत नहीं करता है, लोभ लालच नहीं करता, गरीब होते हुए भी दान देता है, दान दे करके क्या करता है, लोभ लालच को कम कर देता है, तथा मिथ्या विश्वास पे मन लगाता नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया वो व्यक्ति उसी प्रकार शरीर मन वाणी से अच्छा आचरण करके अच्छा कर्म करके मरने के बाद देवताओं के पास स्वर्ग में जन्म लेते हैं। महाराज एक आदमी है, वो आदमी जमीन में बैठ के एक कुर्सी पे चढ़ जाता है, कुर्सी से घोड़ा के घोड़ा पे चढ़ जाता है, या तो फिर घोड़ा का पीठ से हाथी का पीठ में चढ़ जाता है, हाथी का पीठ से महल में चढ़ जाता है। महाराज ये आदमी के लिए यही उदाहरण है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला, समझ में आ गया उदाहरण क्या है, वो एकदम नीचे था लेकिन वो अच्छा आचरण करने के कारण थोड़ा ऊपर आ गया कुर्सी पे, और अच्छा करने लगा और थोड़ा घोड़ा पे आ गया, अच्छा जगह पे आ गया, घोड़ा से ज्यादा हाथी अच्छा है ना, इसके बाद हाथी से अच्छा महल है, सबसे अच्छा बन गया, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। महाराज प्रकाश से अंधकार की ओर कैसे जाते हैं, यहाँ एक आदमी है वो ऊंचा जात में जन्म लेते हैं, संभावनीय गृहपति परिवार में जन्म लेते हैं, महान धनवान है, बहुत बड़ा संपत्ति है, जितना चाहे उतना सोना चांदी है, जितना चाहे उतना धन संपत्ति खेती जमीन है, धन है धान्य है, वैसा परिवार में ये जन्म ले लिया, तथा उसको उसका शरीर भी सुंदर है खूबसूरत, उसका शरीर देख लिया तो कोई भी प्रसन्न हो जाता है, अच्छा सुंदर शरीर, तथा खाना कपड़ा गाड़ी सब कुछ है, शरीर में लगाने वाले सेंट हैं, मुंह में लगाने वाली क्रीम है, शरीर में लगाने वाले बॉडी लोशन है, सारी चीज का कोई कमी नहीं है, और बाती पूरा भरा हुआ है, जितना चाहे जला सकता है, वैसा घर द्वार है, महल जैसा घर है, वैसा प्रकाश की जन्म पाया, लेकिन शरीर से पाप करता है, ऐसा अमीर हो के अच्छा खान पान रहन खाने पीने का घर में जन्म लेके क्या करता है, वाणी से पाप करता है, मन से पाप करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, गाली देता है, लोभ लालच करता है, ठगता है दूसरों से, क्रोध गुस्सा से रहता है, मिथ्या विश्वास पे जाता है। महाराज वो आदमी ऐसे शरीर मन वाणी से पाप करने के कारण मरने के बाद
नरक में जन्म लेते हैं, लेकर के बहुत दुख भोगते हैं। महाराज ऐसी बात है, एक आदमी है, वो आदमी महल से हाथी का पीठ में उतर जाता है, वो हाथी का पीठ में से घोड़ा का पीठ में उतर जाता है, घोड़ा का पीठ में से कुर्सी पर उतर जाता है, कुर्सी से जमीन में उतर जाता है, जमीन से अंधकार पे चल जाता है। वैसा है ये उदाहरण उसी आदमी के लिए है। अच्छा जगह पिता करने वाले कर्म के अनुसार पतन होते खत्म हो गया, अंध प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले व्यक्ति। महाराज और एक व्यक्ति है प्रकाश से प्रकाश की ओर जाता है। पुण्यान महाराज इस दुनिया में कोई आदमी है ऊंचा परिवार में जन्म लेते हैं, राजा का परिवार में या ब्राह्मण परिवार में, गृहपति परिवार में, धनवान परिवार में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में धन संपत्ति है, जितना चाहे उतना सोना चांदी, खान पान रहन सहन धान्य, वैसा परिवार में जन्म लिया तथा उसको सुंदर शरीर भी मिल गया, कोई भी देख लिया तो प्रसन्न हो जाता, वैसा शरीर भी है, खाना पीना कपड़ा लता गाड़ी सब कुछ है, फेस वॉश क्रीम बॉडी वॉश शरीर सजाने वाली चीज भी है, रहने का घर द्वार महल भी है, अच्छी तरह बाती है, कितना भी जला के रख सकता है, प्रकाश करके रख सकता है, ऐसा सब कुछ है, लेकिन ये आदमी शरीर से पुण्य करता है, ऐसा बड़ा हो के भी शरीर से पुण्य करता है, वाणी से पुण्य करता है, मन से भी पुण्य करता है, यानी कि हत्या चोर व्यभिचार भी नहीं करता है, झूठ चुगली गाली फालतू बात भी नहीं करता है, क्रोध गुस्सा नफरत लोभ लालच भी नहीं, घमंड अहंकार भी नहीं, मिथ्या विश्वास पे नहीं जाता है। वो शरीर छोड़ के मरने के बाद देव स्वर्ग में देवताओं के पास जन्म लेकर के बहुत सुख भोगते हैं, ऐसी बात है। महाराज एक आदमी कुर्सी से और कुर्सी पे चला गया, घोड़ा का पीठ से और घोड़ा का पीठ पे चढ़ गया, हाथी का पीठ से और हाथी का पीठ पे चढ़ गया, महल से और महल पे चला गया, ऐसा है, सुख है और सुख की ओर ही चला गया, उसको कभी दुख नहीं मिल सकता। महाराज ये चार प्रकार के लोग इस संसार में हर पल दिखाई देता है। महाराज गरीब व्यक्ति है, उसका दिल में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है, कंजूस है, एकदम लालची है, पापी विचार है, मिथ्या दृष्टि है, दूसरों को कभी प्यार भी नहीं करता है, संत लोग कुछ भी मांगेगा तो कुछ नहीं देता है, गाली दे करके अभी नहीं भागो ऐसे भगा देता है, दोष लगाता है, अगर दूसरा लोग दान देना सुन लिया तो उन लोग को भी दान रोक देता है। महाराज वैसे लोग मरने के बाद अंधकार से अंधकार की ओर जाते हैं, नरक में जन्म लेते हैं। महाराज गरीब लोग ही लेकिन श्रद्धावान है, श्रद्धावान मतलब भगवान बुद्ध के प्रति प्रसन्नता है, भगवान बुद्ध की ज्ञान बहुत जानते हैं, दान भी बहुत देते हैं, उनका मन में श्रेष्ठ विचार उत्तम विचार है, वो कभी गुस्सा क्रोध भी नहीं करता है, संत लोगों को या तो फिर अपना घर पे कुछ भी मांग के आ गया तो उनको खाली हाथ से फेंटाता नहीं है, देता है, अगर संत लोग आना देख ले तुरंत कुर्सी से उठकर सिर झुके इज्जत करता है, अगर कोई भी भोजन देगा तो सुन लो का भोजन रोकता नहीं है और दिलाने के लिए कोशिश करता है। महाराज वैसा व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाके देवताओं के पास जन्म लेते सुख भोगते। पुण्यान महाराज एक धनवान व्यक्ति है,
उसका दिल में श्रद्धा नहीं, भगवान बुद्ध ज्ञान कभी सुना नहीं, सुन लिया तभी समझेगा नहीं, कंजूस है, एकदम पापी विचार है, लालची है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या विश्वास पे है, दूसरों पे कोई प्यार भी नहीं है। अगर कोई संत लोग मांग के आ गया तो कुछ देता नहीं, नहीं नहीं बोल के भगा देता है, दूसरे लोग दूसरों को मदद करेंगे तो वो भी रोक देता है, मद्दू मद्दू कोई मतलब नहीं, बेकार में चल जाता है। जनश्रेष्ठ महाराज वैसे लोग मरने के बाद अंध प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं, नरक में जन्म लेते हैं। पुण्यवान महाराज एक महाधनवान व्यक्ति है, उनका दिल में श्रद्धा है भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संत के प्रति श्रद्धा है, खंजूस नहीं है, दान भी देता है, श्रेष्ठ उत्तम विचार है, गुस्सा क्रोध नहीं, सबको प्यार करता है, संत लोगों को तथा कुछ भी मांग के कोई आ गया तो खड़ा हो के इज्जत करता है, भिखारी को भी इज्जत करता है, कुछ देता है, उत्तम विचार है। कभी भी भोजन किसी को देगा तो उसी भोजन को कभी रोकता नहीं है। जनश्रेष्ठ महाराज ऐसे लोग मरने के बाद प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते हैं, देवताओं के पास जन्म लेते हैं। सुंदर है ना, सूत्र उपदेश का नाम क्या है? गुग्गल सूत्र। तो देखिए इसमें भगवान ने लास्ट में बताया लोग को सुधरने का रास्ता है श्रद्धा। अगर किसी के पास श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, किसी को भी जीवन को सुंदर बनाने का एक ही चीज है, वो श्रद्धा है। आप संडे स्कूल आकर के जब तक आपका दिल में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं आया तब तक आप सुधरा नहीं। जिस दिन आपका दिल में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया उसी दिन से आप पाप करने में डर गया होगा, ध्यान करने लगा होगा। इसीलिए श्रद्धा इम्पोर्टेंट है। किसी का दिल में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा प्यार आ गया तो आ गया, वो बच गया, बच गया मतलब कुछ समय के लिए, फिर श्रद्धा खत्म हो सकता है। इसलिए श्रद्धा सबसे महान चीज है। श्रद्धा को पाने के लिए कल्याण मित्र संगत करना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए, समझना चाहिए, तब दिल में श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा उत्पन्न होने का और श्रद्धा खत्म होने का संभव ज्यादा है। इसीलिए कभी कभी लोग अच्छा है, कभी कभी उन लोग बुरा हो जाता है, कभी कभी लोग बुरा है उन लोग और बुरापन में चले जाते हैं। इसीलिए आप लोग चार जन्म में से एक जन्म पा लिया, लेकिन आप लोग को श्रद्धा आ गया ना, थोड़ा मोड़ा तन्नी तन्नी को श्रद्धा से लाभ उठाइए, उठा के कोशिश करिए कम से कम ये जीवन का लाभ उठाने के लिए।